कि मैं बाढ़ से तबाही। ऐसी तबाही आपने नहीं देखी होगी। जी हां, सिक्किम में बादल फटने से बाढ़ आ गई। बाढ़ की चपेट में आने से सेना के 23 जवान लापता हो गए, जिनकी तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। बताया गया कि उत्तरी सिक्किम में लोहोंग झील के ऊपर अचानक बादल फट गया, जिसके बाद तीस्ता नदी का जल स्तर इतना बढ़ गया कि चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई दिया। बाढ़ की चपेट में सेना के कई कैंप भी आ गए। बताया गया कि इसकी वजह से अब तक 23 जवान लापता हैं, जिनकी तलाश में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। बताया गया कि बाढ़ के बाद चुंगथांग बांध से पानी छोड़े जाने की वजह से निचले इलाकों में 20 से 25 फीट तक पानी भर गया, जिसकी वजह से लोगों को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और कई इलाकों से तबाही की खबरें सामने आ रही हैं। जितना भी गवर्नमेंट मशीनरी है सबको अलर्ट करके लोगों का जान तो बचा है, मगर अभी पूरा रिपोर्ट आना बाकी है, हमें अभी देखना है। सर, आपका क्षेत्र में भी बहुत सारे मौसम आए थे, रिपोर्ट मिला है? हाँ, अभी जान माल का तो उतना नुकसान नहीं हुआ, मगर पब्लिक प्रॉपर्टी है जो बहुत बहुत सारा डैमेज हो रहा है। जो डैमेज हुआ है तो मैं अभी जा रहा हूँ अपने प्रत्यक्ष रूप से चेक करके और उसका रिपोर्ट हम गवर्नमेंट को भेजेंगे। सर, दिक्षु में जो डैम है भी कुछ वहाँ पर एक मंदिर था डैमेज है, वहाँ पर एक घर कंसा काजी बोलने वालों का एक घर गया है और बहुत सारे लोगों का प्रॉपर्टी डैमेज हुआ है। सर, सिंगटा में क्या क्या डैमेज है, आपको क्या? अभी तक तो थोड़ा बिल्डिंग वगैरह डैमेज हुआ है, प्रॉपर्टी डैमेज हुआ है और लगता है कुछ लोगों का भी वहाँ पर गुम सुधाया है। अभी उसका रिपोर्ट बाकी है और डीसी लोग जो सब गवर्नमेंट मशीनरी से वो काम कर रहे हैं, उसका रिपोर्ट शायद एक दो घंटे में आ जाएगी।